SCS जुडिशियल पेपर लीक मामले में आज पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान क्या क्या हुआ, इस समय मेरे साथ हैं याचिकाकर्ता के वकील रणविजय सिंह, इनसे जानते हैं। जी रणविजय सिंह जी, याचिकाकर्ता ने अपनी इस याचिका में एक तो पेपर लीक होने के और धांधली के आरोप लगाए हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत ही संकीर्ण और सेंसिटिव मैटर है, तो ऑनरेबल हाईकोर्ट ने हैज़ कंस्टिट्यूटेड अ फुल बेंच। तो इसमें हाईकोर्ट ने एक तो रजिस्ट्रार विजिलेंस की रिपोर्ट और रिक्रूटमेंट कमेटी की रिकमेंडेशन जो रिपोर्ट है वो सबमिट करवाने के लिए कहा है ऑन द नेक्स्ट डेट 12th of September जी। और साथ ही जो पार्शली स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड हुई थी सुनीता की विल बी रिकॉर्डेड फुल। ये थे मेरे साथ याचिकाकर्ता के वकील रणविजय सिंह। इनका कहना है कि SCS जुडिशियल पेपर लीक मामले में आज अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने अगली सुनवाई पर रजिस्ट्रार विजिलेंस की इंक्वायरी रिपोर्ट की मांग की है, इसके साथ साथ रिक्रूटमेंट कमेटी की सिफारिशें भी मांगी है। कैमरामैन संजय के साथ अनिल कुमार, टोटल न्यूज़ चंडीगढ़।